एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू कि आप सभी हमारे इस वीडियो को इतना पसंद करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। हम भी हर रोज आपके हर दिन का लेखा जोखा लेकर आपके सामने इस वीडियो के द्वारा आते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। 16 जनवरी 2020 गुरुवार का राशिफल बता रहे हैं। माघ माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि प्रातः 9:43 तक रहेगा। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज 12:09 से 12:52 तक शुभ मुहूर्त है। वहीं राहु काल है आज दोपहर 1:49 से 3:08 तक। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में है, तो आपको इन तीनों चीजों का ही ध्यान रखना है। अभिजीत मुहूर्त पर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, राहु काल पर कोई भी अच्छा कार्य ना करें, और दिशाशूल जिस दिशा में है उस दिशा में आज यात्रा करने से आपको बचना है। अब बारी है आपके राशिफल की, और आपको बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। किसी दोस्त की ज्योतिषीय सलाह आज आपकी सेहत के लिए काफी उपयोगी बनने वाली है, यानी कि आपका कोई फ्रेंड आपको आपके हेल्थ के रिलेटेड या आपको ज्योतिष के रिलेटेड कुछ सलाह देगा। बिना किसी की मदद के भी आप धन कमा पाने में आज सक्षम हो सकते हैं, बस आपको खुद पर थोड़ा सा विश्वास करने की जरूरत है। आपका लापरवाह रवैया आपके माता पिता को आज दुखी कर सकता है, इसीलिए आपकी नेग्लिजेंसी वाली आदत है, किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट करने की आदत है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। किसी भी परियोजना शुरू करने से पहले आज अपने घर वालों की राय जानिए, अपने बड़ों की राय जानिए, उसके बाद ही परियोजना शुरू करें। कहने का मतलब है सबकी जो है सहमति से आज कुछ भी शुरू करें, नहीं तो वो चीज़ उतनी फलफूल नहीं पाएगी। आपको आज ही अपने प्रिय को अपने दिल की बात बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी, और आज दिन भी बहुत अच्छा है, तो आप चाहें तो प्रपोज कर सकते हैं। उनका जो जवाब है वो हाँ में ही आएगा। आपकी कामयाबी महिलाएं जो हैं उसमें आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगी आज, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हों। तो इसीलिए महिलाओं को रिस्पेक्ट देना है, उनको इम्पोर्टेंस देनी है। देर शाम तक आपको कहीं दूर से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ हंसते खिलखिलाते हर पल के मजे लेते हुए आप महसूस करेंगे कि आप किशोरावस्था में लौट गए हैं, यानी बहुत अच्छा दिन बीतने वाला है आपका मैरिड लाइफ के भी लिहाज से। गृहिणियों को थोड़ा सा सचेत करना चाहूंगी कि सेहत बिगड़ सकती है, तो थोड़ा अपनी सेहत पर ध्यान रखें। वहीं जो लोग को पहले से कोई बीमारी है वो भी एक रूटीन टेस्ट के लिए आप चले जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो। उपाय जान लीजिए, किसी भी गौशाला में हरा चारा दान में दें आज। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि की। आउटडोर खेल आपको आकर्षित करेंगे, वहीं ध्यान और योग जो है आपको फायदा पहुंचाएंगे। हेल्थ से आज आप बहुत अपने खुश रहेंगे, आप एक्टिविटी भी करते रहेंगे। आपने बीते समय में बहुत पैसे खर्च किए हैं, जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ सकता है। आज आपको पैसों की जरूरत होगी, लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएगा। शाम के समय कुछ हंसी खुशी भरा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। गलतफहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्म जोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है। साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए अच्छा दिन है, इससे सभी को मुनाफा होगा, लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार कर लें। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम होगा। आपके प्रेम को देखकर आज आपका प्रेमी गदगद हो जाएगा। जीवन साथी की वजह से आज आपको अनमने ढंग से भी बाहर जाना पड़ सकता है, जो बाद में आपकी झल्लाहट की वजह बनेगा, लेकिन ये झल्लाहट उन पर निकाले मत, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आज बहुत गंदी लड़ाई हो सकती है आप दोनों के बीच में। छात्रों को भी थोड़ा समझाना चाहूंगी कि आज माता पिता बहुत ज़्यादा क्रोध कर सकते हैं, तो आप अपनी हरकतों पे आप अपनी एक्टिविटी पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, ताकि आप उनके गुस्से के शिकार ना बने। उपाय के तौर पर चांदी का कड़ा धारण करें आज। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि की। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा दिन नहीं है, और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाएंगे, यानी कि आज अंदर से आप थोड़ा वीकनेस फील करेंगे, और यही वीकनेस जो है आपकी जो है चेहरे पर आपके दिमाग में भी दिखेगी। आपको कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए फायदा होगा, वहीं घरेलू काम थका देने वाला होगा, और इसीलिए मानसिक तनाव की वजह भी बन सकता है। अपने दोस्त से बहुत लंबे समय बाद मिलने का ख्याल आपके दिल की धड़कनें बढ़ा सकता है। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है, सफलता मिलेगी और शौहरत और पहचान मिलेगी, जिसकी आपको तलाश थी। जीवन संगी के साथ वक्त बिताने के लिए आज आप ऑफिस से जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते में अत्यधिक जाम वगैरह या किसी कारणवश आप ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे।
अगर आप वैवाहिक तौर पर जो है लंबे समय से कुछ नाखुश हैं, तो आज के दिन आप कुछ हालात बेहतर होते हुए भी महसूस करेंगे। गृहिणियों को आज बहुत अच्छी सीख मिल सकती है, वो किसी वीडियो से कहीं किसी चीज़ से आज उन्हें कुछ अच्छा जानने को सीखने को मिलेगा। कोशिश करें यही सीख आप अपने बच्चों में अपने घर वालों के साथ भी रात के खाने पर या कभी भी जब आप साथ बैठे तो डिस्कस किया करें। अच्छी बात है, जितनी बांटेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर साबुत हल्दी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कर्क राशि की। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन यात्रा आपके लिए थकाऊ और तनावपूर्ण साबित हो सकती है। घर के जरूरी सामान पर धन खर्च करके आपको आर्थिक परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन इससे आप भविष्य की कई परेशानियों से बच जाएंगे। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। वहीं एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबोचे हुए था खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्दी ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। करियर में तरक्की के लिए नई क्षमताएं विकसित करना और नई तकनीकें सीखना महत्वपूर्ण रहेगा। जो लोग घर से बाहर रहते हैं, आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर बिताना पसंद करेंगे। आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है। बहुत बाकी दिन जो है ओवरऑल ठीक है, इसे और अच्छा बनाने के लिए आज के दिन किसी गरीब को कुछ रुपए दान में दें। बाकी ज्योतिषीय उपाय बता देते हैं, वो जरूर करें। ज्योतिषीय उपाय के तौर पर आज के दिन जो है आपको काले जूते और छाते किसी गरीब को दान करने चाहिए। शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है लियो वालों की यानी सिंह राशि की। दोस्तों के साथ टाइम बीतेगा आज आपका शाम का समय खासकर उनके साथ, लेकिन ज्यादा खाने और मदिरापान से बचें, यानी ओवर एक्साइटमेंट में ज्यादा भोजन ना करें और शराब सिगरेट इन सब चीज़ों से दूर रहें। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं आज वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। किसी भी तरह का करप्शन करते हैं, उनको मार पड़ सकती है। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि टैक्स की चोरी या कोई भी ऐसी गलत चीज़ें ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। दिन बढ़िया है वैसे, जो है आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके सामने चुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें आज होंगी, लेकिन आपकी समस्या ये होगी कि पहले किसे चुना जाए। आज आपका प्रिय कुछ खिंचा हुआ महसूस कर सकता है, जो आपके दिमाग पर दबाव और भी बढ़ा देगा। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन अच्छा है, क्योंकि उन्हें अचानक बड़ा फायदा आज होगा। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते रहते हैं कि वो घर वालों को समय नहीं देते, आज वो घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एन वक्त पर किसी काम के आने की वजह से ऐसा हो नहीं पाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ रोमानी दिन गुजार सकते हैं, इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। कुल मिलाकर कहें कि आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आप थोड़ी बहुत प्लानिंग करेंगे, लेकिन वो प्लानिंग जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। उपाय सुन लीजिए। उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहेंगे कि काला सफ़ेद कंबल किसी धर्म स्थान में दान में दें। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि की। आज के दिन आप बिना झंझट विश्राम कर सकेंगे। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए तेल से मालिश करें। बिना बताए आज कोई देनदार आपके अकाउंट में पैसे डाल सकता है, जिसके बारे में जानकर आपको अचंभा भी होगा और खुशी भी, यानी आर्थिक मामलों में दिन अच्छा है। भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा खतरा उठाना आज आपके पक्ष में जाएगा, इसलिए उठा सकते हैं। अगर आपके पक्ष में जा रहा है तो ग्रह नक्षत्र का इशारा है। तो ख्याली परेशानियों को छोड़िए और अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं। आईटी से जुड़े जो इस राशि के लोग हैं उनको अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। आपको कामयाबी पाने के लिए केवल काम पर एकाग्र होकर जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। पैसा प्यार परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं, और आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे। गृहिणियों के लिए भी दिन अच्छा है। आज हो सकता है कि आपके द्वारा बनाई गई किसी खाने की चीज़ की बहुत तारीफ करें लोग। उपाय जान लीजिए। उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहेंगे कि छोटी कन्याओं को आज छेना या खोए की मिठाई, चॉकलेट या टॉफी बांटें। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है तुला राशि की। दिन की शुरुआत आप योग ध्यान से आज कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। आपका पैसा तभी आपके पास आएगा जब आप उसको संचित करेंगे। यह बात भली भांति जान लें, नहीं तो आपको आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। दोस्तों का साथ राहत देगा, वही रोमांटिक मुलाकात बहुत रोमांचक रहेगी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं होगी। ऐसे काम हाथ में लें जो रचनात्मक प्रकृति के हैं। जो चीज़ें आज आपके लिए आवश्यक नहीं है उन पर अधिकतर समय अपना वेस्ट ना करें। वैवाहिक जीवन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, आज आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। गृहिणियों को सलाह देना चाहूंगी कि आज के दिन अपने ससुराल वालों को कुछ भी कड़वा कहने से बचें। वहीं छात्रों के लिए दिन अच्छा है,
पढ़ाई में मन लगेगा, आज आप कुछ उपलब्धि भी पा सकते हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन मछलियों को चारा डालें। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि की। माता पिता को अनदेखा करना आपके भविष्य की संभावनाओं को खत्म कर सकता है। अच्छा समय बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। इंसान के कर्म ध्वनि की तरंगों की तरह साथ मिलकर ये संगीत बनाते हैं और आपस में टकराकर खड़खड़ाहट, यानी कि हम जो बोते हैं वही पाते हैं। जिन लोगों ने लोन लिया था, आज उन्हें उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कत आ सकती है। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके जीवन में आज। कोई दोस्त अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मशवरा मांग सकता है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि ये ज्यादा से ज्यादा रोमानी हो। कुछ के लिए पार्ट टाइम नौकरी अच्छा विकल्प है। आज के दिन घटनाएं अच्छी तो होंगी लेकिन तनाव भी देंगी, जिसके चलते आप थकान और दुविधा महसूस करेंगे। आज के दिन वैवाहिक जीवन का आप असली स्वाद चख सकते हैं। कुल मिलाकर दिन ऊपर नीचे होगा, लेकिन एक ज्योतिषी उपाय बताते हैं, इसको जरूर करें, इससे थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज प्रातः काल उठते ही जो है आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें और पूरे दिन किसी का दिल न दुखाए, किसी के लिए बुरा मत बोलें। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है धनु राशि की। आज के दिन ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती है। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। बच्चों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए थोड़ा समय अलग से निकालें। संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे आज, तो तैयार हो जाइए, कहीं से आपको आज जो है आपके लव के लिए प्रपोजल आ सकता है। लंबे समय से अटके फैसलों को अमली जामा पहनाने में कामयाबी मिलेगी और नई योजनाएं आगे बढ़ेंगी। दिन आपका बल्ले बल्ले है। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएगा, यानी आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी भी आज आपके लिए कुछ खास करने वाला है। इस राशि के जातकों के आज का दिन बेहतरीन है, यानी प्रॉब्लम्स बहुत कम है। फिर भी उपाय के तौर पर आज के दिन नहाने के पानी में, स्नान के पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल दें। शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मकर राशि की। सबकी मदद करने की आपकी इच्छा जो है आपको आज बुरी तरह थकाएगी, लेकिन अगर आप मदद करते हैं तो अच्छी बात है। इंसान को थोड़ा सा लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखें। जीवन की गाड़ी को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो आज आपको पैसों की आवाजाही पर विशेष ध्यान देना होगा। आपको ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की जरूरत है जहां आपको अपनी समान रुचियों के लोगों से मिलने का मौका मिले। एक बार आप अपने हमदम को हासिल कर लें तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होती। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। नई चीजों को सीखने की आपकी ललक जो है आज काबिले तारीफ है। जब आपसे राय पूछी जाए तो बिल्कुल भी आज संकोच ना करें, क्योंकि इसके लिए आपकी काफ़ी तारीफ होगी, आपके सोच की तारीफ होगी, आपके बताए गए एडवाइस की तारीफ होगी। तो इसीलिए अपनी आज सोच रखने से कहीं भी पीछे ना हटें। मतभेदों की एक लंबी श्रृंखला के बाद आज सामंजस्य बिठाने में आपको जो है थोड़ी सी मुश्किल आएगी अपने फैमिली के लोगों से, तो इसीलिए कोशिश करें उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें, चीज़ों को सुलझाएं, ना किसी और उलझाएं। इस चीज़ों को आप जितना सिंपल तरीके से लेंगे, जितना आप पॉजिटिवली लेंगे, उतना आपके साथ अच्छा होगा। उपाय के तौर पर हरे रंग की कांच की बोतल में पानी भरकर धूप में रखें और उस जल से स्नान कर लें। शुभ अंक है आपके लिए 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि की। आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरीके से जिएंगे। दिन बहुत लाभदायक नहीं है, इसलिए अपनी जेब पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और ज्यादा आपको खर्चा भी आज नहीं करना है। आज आपको अपने होशियारी और प्रभाव का उपयोग संवेदनशील घरेलू मुद्दों को हल करने के लिए करना चाहिए। आज आपको निराशा भी हाथ लग सकती है, क्योंकि मुमकिन है कि आप अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर न जा पाए। काम की अधिकता के बावजूद भी आज कार्य क्षेत्र में आप में ऊर्जा देखी जाएगी। आज आप दिए गए काम को तय वक्त से पहले ही पूरा कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं, वो घर वालों को पर्याप्त समय नहीं देते, आज घर वालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपकी आज पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आज रहेगा। असहजता की वजह से आप वैवाहिक जीवन में खुद को फंसा हुआ अनुभव कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो जीवन साथी के साथ आत्मीय बातचीत की। उपाय के तौर पर आज के दिन बहते हुए जल में एक सिक्का प्रवाहित कर दें। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे हम मीन राशि के जातकों के बारे में। आज के दिन ऐसी चीज़ों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती हैं। अगर आप घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ाई करते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें जो आपका धन और समय बर्बाद करते हैं। घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित घर के कामकाज के हिसाब से अच्छा दिन है।
आपके प्यार को आज न सुनना पड़ सकता है। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी सराहना भी मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की भी संभावना है। आप में से कुछ लोगों को लंबा सफर आज करना पड़ सकता है जो काफी दौड़ भाग भरा होगा, लेकिन साथ ही बहुत फायदेमंद भी साबित होगा। संभव है कि शुरुआत में जीवन साथी की ओर से आपको कम ध्यान मिले, लेकिन दिन के अंत तक आपको महसूस होगा कि वह आपके लिए ही कुछ ना कुछ करने में व्यस्त था। चलिए उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए गरीब कन्याओं में मीठी वस्तुएं बांटें। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसा बीतेगा 16 जनवरी का दिन सभी 12 राशियों के लिए। अगर वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।